हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत में कितने समुद्र मौजूद हैं, मतलब कि भारत कितने समुद्रों से घिरा हुआ है। अब ये बात सुनकर आपको हंसी आ रही होगी कि क्या बकवास कर रहे हो भाई, ये तो हमें पता है। लेकिन ये बात आपको पता है पर उन 40% लोगों को नहीं, जो स्कूल में टीचर के डर के कारण पूछ नहीं पाते या जिन्हें ये सब मामूली सी बात लगती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भारत कितने समुद्रों से घिरा हुआ है और उन समुद्रों का वर्ग किलोमीटर कितना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा भारत चार दिशा में फैला हुआ है, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिसमें से उत्तरी दिशा में हिमालय पर्वत मौजूद है और बाकी तीन दिशाओं में तीन अलग-अलग समुद्र मौजूद हैं। अब दोस्तों, आपको ये बात बताना बहुत जरूरी है कि भारत की तीनों दिशाओं में मौजूद तीनों समुद्र किस-किस राज्य से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के ऐसे 13 राज्य हैं जिनसे समुद्र का किनारा जुड़ा हुआ है, और इन 13 राज्यों के नाम हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पंडुचेरी, अंडमान निकोबार, दमनदीप, लक्षद्वीप। दोस्तों, अब आपको पता चल चुका होगा कि भारत के कौन कौन से राज्य समुद्र से जुड़े हुए हैं। वैसे ये बात किस किस को नहीं पता थी, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम जानेंगे कि वो कौन कौन से समुद्र हैं जो भारत से जुड़ते हैं। तो भारत की तीनों दिशाओं में मौजूद उन समुद्रों के नाम हैं हिंद महासागर, जो कि दक्षिण दिशा में मौजूद है, अरब सागर, जो कि पश्चिम दिशा में मौजूद है, बंगाल की खाड़ी, जो कि पूर्व दिशा में मौजूद है। तो दोस्तों, अब हम इन समुद्र के बारे में जानते हैं। पहले हम बात करेंगे हिंद महासागर की। दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि धरती के 70% भाग पर समुद्र मौजूद है, जिसमें से 44% भाग को हिंद महासागर ने घेरा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह महासागर दक्षिण में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ है, जबकि इसके उत्तर पश्चिम में भारत है। हिंद महासागर का अधिकांश भाग पृथ्वी के दक्षिण के गोलार्ध में आता है। इस सागर के दर्शन आप कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु से कर सकते हैं। अंध महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़े हुए इस महासागर की गहराई 4 किलोमीटर है। दोस्तों, अब बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की। दोस्तों, जल का वह भाग जो तीन तरफ के स्थल भाग से घिरा हुआ है, उसे गल्फ कहते हैं। गल्फ व खाड़ी लगभग समानार्थी शब्द है। अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है। भारत में बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है। यह हिंद महासागर का उत्तर पूर्वी भाग है। इस खाड़ी का आकार त्रिभुजकार है, जिसके उत्तर में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, पूर्व में म्यांमार और अंडमान निकोबार, और पश्चिम में भारत तथा श्रीलंका स्थित है। बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल लगभग 2,72,000 किलोमीटर है। इस खाड़ी की औसत गहराई 8,500 फीट है और अधिकतम गहराई 5,400 फीट है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी और स्वर्णरेखा आदि नदियाँ इसी में विसर्जित हो जाती हैं। इस खाड़ी के तट पर तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल इसके तट पर हैं। यहीं पर भारत का अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह भी स्थित है। दोस्तों, अब बात करते हैं अरब सागर की। दोस्तों, हिंद महासागर का पश्चिमोत्तर भाग अरब सागर कहलाता है। यह सागर लगभग 38,62,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पूर्व में भारत, पश्चिम में अफ्रीका अंतर्द्वीप और अरब प्रायद्वीप से, उत्तर में ईरान और पाकिस्तान और दक्षिण की ओर हिंद महासागर के शेष भाग से घिरा हुआ है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 2,400 किलोमीटर है। यूरोप के लोग इसी मार्ग से भारत आते रहे हैं। इसके तट पर केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु हैं। भारत के लक्षद्वीप, दादर, नगर हवेली और दमनदीप इसी सागर में है। सिंधु नदी इसी सागर में विसर्जित होती है। तो दोस्तों, आज से पहले कि आपको ये बात पता थी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।